होम टिप्स बाय ममता में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ चीज़ केक। चीज़ केक बनाने के लिए हम सबसे पहले आधा लीटर दूध लेते हैं, जिसको गर्म होने के लिए रख देते हैं। हमने गैस को जला दिया है। अब हम इस दूध से बनाएंगे क्रीम चीज़। इसको दूध को हम चलाते हुए बॉयल करेंगे, क्योंकि हमें इससे चीज़ बनाना है। तो इसको हम बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करेंगे, इसको हम मलाई नहीं आने देंगे, ना इसको बॉयल एकदम बॉयल होने देंगे। अभी हम इसका जैसे ही ये थोड़ा सा टेम्परेचर इसका बढ़ता है, तो बॉयल होने के जस्ट पहले हम इसको विनेगर से फाड़ देंगे। हमने 2 टेबल स्पून विनेगर लिया है। अब इस कप को हम बाकी पूरा पानी से भरेंगे। दूध गर्म होने हो रहा है धीरे धीरे से, और हमने विनेगर में पानी मिक्स कर लिया है। अब हम इस दूध में, क्योंकि इसको हमें बॉयल होने के पहले यूज करना है, तो अब हम इसमें धीरे धीरे से ये पानी और विनेगर यूज करेंगे। धीरे धीरे से डालने से ये जो हमारा चीज़ तैयार होगा वो हार्ड नहीं होगा और सॉफ्ट तैयार होगा। इसमें विनेगर की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा होती है, इसलिए हमने 2 टेबल स्पून लिया है। जबकि वैसे तो ये हमारा फट के तैयार हो गया है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा ज़्यादा विनेगर से फाड़ते हैं, तब हमारा चीज़ बन के प्रॉपर तैयार होगा। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। दूध फट गया है, अब हम इसको ठंडा होने देते हैं। इसको हमें पूरी तरह से इसका पानी नहीं निकालना है, बल्कि इसको हमें सिर्फ जस्ट इसको छान के इसको थोड़ा सा हम पीसेंगे। इसको गैस को हमने बंद कर दिया है। हमने एक पैकेट डाइजेस्टिव बिस्किट लिया है, और इसको हम खोल के और मिक्सर में डाल के हल्का सा दरदरा पीस लेते हैं। इनको हम थोड़ा सा तोड़ लेंगे और इसको हम पीस लेंगे। बिस्किट हमने तोड़ लिए हैं, अब हम इनको थोड़ा सा दरदरा पीस लेते हैं। ये हमने बिस्किट पीस लिए हैं। इनको हमने एक बाउल में ट्रांसफर कर लिया है। ये बिस्किट का पाउडर जैसा तैयार हो गया है, जो कि थोड़ा सा दरदरा है। अब हम इसमें 20 ग्राम बटर डाल देंगे और करीब 2 चम्मच इसमें हम चीनी डाल देंगे। खड़ी चीनी ही हमें इसमें उपयोग करनी है, पीसना नहीं है। और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, जिससे बिस्किट के अंदर बटर अच्छे से मिक्स हो जाएगा। बिस्किट, बटर और शुगर तीनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, और हमने जो चीज़ तैयार किया था उसको हमने छान लिया है, उसका पानी हमने निकाल दिया है। उसको हमें बहुत ज़्यादा प्रेस करके उसका पानी नहीं निकालना है। अब हम उसको एक मिक्सर में डाल के पीस लेते हैं। ये हमारा पनीर चीज़, जिसको हमने छान लिया है पर इसको हमने प्रेस नहीं किया है, अब हम इसको पीस लेंगे। इसके साथ ही हम इसमें 1 चम्मच मलाई डालेंगे। 1 चम्मच और डालेंगे अभी हम इसमें मलाई। इसके बाद हम इसमें डालेंगे करीब 3 चम्मच चीनी। और करीब 1 पिंच नमक भी हम इसमें ऐड करेंगे। पीसने से पहले हम इसमें 2 से 3 ड्रॉप वनीला एसेंस की डालेंगे। वनीला एसेंस डालने के बाद अब हम इसको पीस लेते हैं। पीसने के बाद ये हमारा क्रीमी चीज़ तैयार है। अब हम इससे बनाएंगे केक। ये ड्राई केक है, जो कि बिस्किट से बनाया है। इसको हमें गर्म नहीं करना है, सिर्फ इसको हम इस टाइप से
जार में भर लेंगे। ये जो हमने बिस्किट, शुगर और बटर का पाउडर तैयार किया है, अब हमें इसमें चम्मच की सहायता से एक एक चम्मच इसको इस टाइप से डालते जाएंगे। नीचे बिस्किट की लेयर रहेगी, ऊपर से वनीला और ये जो हमने चीज क्रीमी चीज तैयार किया है उसकी लेयर रहेगी। इसको हम इस टाइप से बनाते जाएंगे। फिर से हम इसमें थोड़ा सा बिस्किट का पाउडर डालेंगे। और फिर से हम इसमें क्रीम डालेंगे। इसको हम इसी स्टेज में बंद करके करीब 10 मिनट के लिए रख देंगे तो ये हमारा केक तैयार हो जाएगा। इसको हमने ना गर्म किया है, ना बॉयल किया है, कुछ भी नहीं किया है। सिर्फ हमने इससे पनीर तैयार किया था चीज़ बनाने के लिए, सिर्फ उसको ही हमने गर्म किया है, बाकी हमने इसमें कुछ भी गर्म नहीं किया है। हमने घर में ही ब्लूबेरी जैम तैयार किया है, इसको भी हम अपनी केक के ऊपर डाल देते हैं। इसकी रेसिपी देखने के लिए आप हमारा पिछला वीडियो देखिएगा, उसमें हमने ब्लूबेरी जैम या सॉस की रेसिपी आपको बनाकर दिखाई है। इस केक को हम जार में भी सर्व कर सकते हैं और बाउल में भी सर्व कर सकते हैं। इस टाइप से हम इसको बनाते जाएंगे। सबसे पहले हमने जो बिस्किट का पाउडर बनाया है वो डालेंगे, इसके बाद अब हम इसमें क्रीम डालेंगे। इसको इस टाइप से हिलाते जाएंगे जिससे पूरे में अच्छे से फैल जाए। इसके बाद ये जो हमने ब्लूबेरी जैम तैयार किया है हम इसको इसमें डालेंगे। इसको भी हम अच्छे से फैला देंगे। इस टाइप से हम इससे लेयर केक तैयार कर सकते हैं। और इसको बेक तो हमने बिल्कुल किया ही नहीं है, सिंपल सी रेसिपी है, घर में आप भी ट्राई कर सकते हैं। इसको बराबर से हिलाते हुए इसमें हमें लेयर भी दिखेगी। इसके ऊपर हम फिर से ब्लूबेरी जैम डालेंगे, खूब फैला देंगे उसी में अंदर से। इसके ऊपर फिर से हम बिस्किट का पाउडर जो बनाया हुआ है हमने उसको डालेंगे। इसको हमारे हिला के प्रेस करना बहुत जरूरी है जिससे इससे अच्छे से लेयर तैयार होंगी। तो लीजिए, ये हमारा केक तैयार है और रेसिपी सिंपल है। आप भी बनाइएगा। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। ममता।